राज इंग्लिश क्लासेज में सभी पाठक का अथवा श्रोता का अभिनंदन है और हम नए किरण के साथ आपको नाउन पढ़ा रहे थे, ठीक ना। तो उसी में बेसिक हम आपकी नाउन की जानकारी दे रहे थे, तो जिसमें जातिक आधार पर हमने आपको बताया था कि जातिक आधार पर पांच प्रकार के होता है। आद करने का तरीका बताया था पकमा, और मॉडर्न भी बताए थे मैंने सीपीओ। ये देखिए जाति के आधार पर पांच प्रकार के बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना। इसकी जानकारी हमारे पाठक को मिल चुका है, अगर जिनको नहीं मिला है वो पिछले वाले वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर राज इंग्लिश क्लास से टाइप करना है, RAJYA इंग्लिश ENGLIS क्लास से CLASS, आपको टाइप करना है और आप हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक ना। तो जो जाति के आधार पर पांच प्रकार के नहीं पढ़े तो आद करने के तरीका दिए थे, फिर मॉडर्न बताए थे आद करने का तरीका सीपीओ, इसम हॉट ट्रिक्स है। फिर टी एंड बाई के आधार पर बताए थे कि टुडे टुमारो यस्टरडे पर दो ही प्रकार है, यूसुफ ब्राउज़र बताए थे। अब आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि नाउन नंबर के आधार पर यानी संख्या के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। फर्स्ट ट्रिक हमने दिया है एसपी, ऐसे होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो हमको ये याद नहीं रखना बल्कि याद रखना है एस फॉर सिमिलर नाउन, एस फॉर सिमिलर नाउन, और पी फॉर प्लूरल नाउन, याद रखेंगे पी फॉर प्लूरल नाउन। हिंदी बोलेंगे एक नाम या एक वचन, किताबों में कहीं कहीं पर नंबर को वचन में कह ले, हम कहते हैं एक नाम, और यहाँ प्लूरल नंबर या नाउन, तो हम नंबर पढ़ा रहे हैं, नाउन को नंबर पर कितने वर्गों में, दो वर्गों में, इसीलिए नाउन यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं, तो बहुत नाम। तो याद रखेंगे बहुत सारे में क्या होते हैं ना, हम लोग को पढ़ा रहे नंबर, तो नंबर के आधार पर यहाँ देखना है, तो नंबर का परिभाषा पहले जान लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स वन मोर देन वन पर्सन और थिंग्स एज नोन एज नंबर, यानी कि नंबर कहेंगे नाउन के आधार पर, हम बता रहे हैं कि नाउन नंबर के आधार पर दो प्रकार का नंबर ही नहीं जानते, तो नंबर का हमने परिभाषा को इंक्लूड दिया है कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध कराता हो वही क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। यह देखिए आपका बॉय बॉयज ऑक्स ऑक्सन, यानी कि इसमें बदलता स्वरूप है, अब यही एग्जाम्पल जो लिखा कैसे बनता है इसके लिए सिर्फ अभी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये दो प्रकार के होता है, तो हमने सिमिलर नंबर का आपको परिभाषा बताने का कोशिश करेंगे या सिमिलर नाउन का। तो द नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन, यानी कि वैसा नाम जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता हो उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर नाउन कहेंगे अथवा नंबर कहेंगे। तब टॉय बेंच कस्टमर मैंगो बम्बू, ये है आपका सिमिलर होने का दो तखा, यानी एक नाम एक व्यक्ति एक होने का, जितने वस्तु एक नाम है एक वस्तु का बोध करा रहा। फिर आते हैं प्लूरल नंबर, तब प्लूरल नंबर क्या है बाबू, तो द नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, यानी एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे आपका हो गया ट्वाइज, तो यहाँ पर कैसे बदल रहा है थोड़ा सा जानकारी आपको हासिल करना होगा, ये आपका बेसिकली हासिल कर रहे हैं कि बेस आपको मजबूत कर रहे हैं, यानी कि बड़ी कोई चैप्टर लंबी पढ़ा रहे ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना, आपको सिर्फ बेस। तो ट्वाई बेंच स्टोमैक मैंगोज बम्बूज, ऐसे बम्बू मैंने बांस होता है। तो अब इंटरचेंज ऑफ एसएन टू पीएन, यानी एसएन मतलब सिमिलर नाउन और पीएन मतलब प्लूरल नाउन, या एसएन सिमिलर नंबर समझिए या प्लूरल नंबर समझिए, पर हम इंटरचेंज करें, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ इंडिकेट करके आपको बताएंगे। यहां पर ही बता रहे हैं कुछ ऐसे सिमिलर नाउन होते हैं जिनको प्लूरल नाउन बनाने के लिए सिर्फ एस लगाते हैं,
ये अंग्रेजी में भी इसको बना सकते हैं। हमको ई वाला कोई एग्जाम में नहीं पूछता, हमको ये सिर्फ आपका सिंगुलर प्लुरल समझना, ये भी एग्जाम तो नहीं पूछता है, तो फिर इसको समझना है क्योंकि बेस नॉलेज है। घर आपके बरियार या बड़े बिल्डिंग हो सकते हैं जिसका नींव अच्छी हो, जिसका नींव ही अच्छा नहीं हो वो आपका अच्छी नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम आपको जीरो लेवल से आपके लेकर आए हैं और ले जाएंगे आपको हीरो लेवल पर, याद रखना। जैसे बनाएंगे से यह देखे एस लिखा हुआ है, कई बच्चा वाला है यह देखिए बुक्स हो जाएगा। क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसमें एस लगा कर, अब अबरी वाला में इंडिकेट करके बताएंगे कि एस लगाकर पुलर बनाएंगे, तो एस लगाकर अभी इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसे नाम सिर्फ बोलेंगे उसका टाइटल बना बना दिखावेंगे। तो रूल नंबर वन था, टू देकर दो एग्जाम्पल देंगे, फिर इसी प्रकार से लगातार इतना बड़े लंबे लिफाफा में नहीं। पेन को लिखेंगे पेन्स, बाकी आप लोग तो समझ ही गए होंगे, छोड़ देते हैं। चलिए अब अगली दूसरे इंडिकेट करके हम आपको बनाएंगे, ठीक है। तो आप इतना अध्ययन करेंगे और स्क्रीनशॉट भी करेंगे। आप दूसरे नियम को इस प्रकार बनाएंगे जिसे हम आपको बोलने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना होगा कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके अंत में, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके अंत में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एस हो या एक्स हो, तो हम लोग प्लुरल बनाने के लिए पराया ई एस लगाते हैं। खाली याद रखना इतना, द बेंच है तो बेंच में देखिए आ गया सी एच, तो यहां हो गया कौची बेंचे ना, ई एस लगाना है। पर याद रखना सी एच का अगर उच्चारण यहां चा है हुआ तो हम लोग लगाते हैं कौची ई एस, अगर एक सी एच का उच्चारण अगर सी एच का उच्चारण अगर क हो जाएगा ना तो सिर्फ एस लगाना है। नोटेबल पॉइंट बोल रहे हैं, नोट याद रखना, अंग्रेजी की यही आपकी हो जाएगी कि जितना नियम पढ़ाएंगे ना उससे ज्यादा एक्सेप्शनल है आपका, एक्सेप्शन आता है यानी अपवाद आते हैं। देखिए जैसे हमने अभी सी एच का उच्चारण अगर च हो तब हम लोग ई एस लगाएंगे, अगर क हो जाएगा तो सर ऐसा एग्जाम्पल एक आपको बता दीजिए, तो हम लोग अभी बता रहे हैं जैसे एम ओ एन ए आर सी एच, माने मोनार्च नहीं पढ़ना है बल्कि मोनार्क प्रोनाउंसिएशन करना है, क्या करना है मोनार्क, और एस टी ओ एम ए सी एच अगर करना अस्टोमैच नहीं बल्कि अस्टोमैक, तो उस परिस्थिति में जब इसे प्लुरल बनाएंगे इसका मतलब पेट होता है और इसका मतलब राजा का ये, ठीक ना। तो उस परिस्थिति में याद रखना कि इसे एस लगाकर बनाते हैं, सिर्फ एस लगाकर बनाते हैं यानी मोनार्क्स हो जाएंगे, अस्टोमैक्स हो जाएंगे, याद हो गया। इस परिस्थिति में आई सब में आपका बेंच है माने आपका बूस है, बूसे होगा बॉक्स है, बॉक्से होगा, इस प्रकार से देखिए। फिर आपका है याद रखना, ये तो एक नोटेबल एक नोट दे दिए हैं, याद रखना नोट हो गया, इस नियम का नोट हो गया कि जिसका अंत में उच्चारण सी एच है तो सिर्फ एस लगा, अगर सी एच का हो जाएगा तो आपका एस लगा कर बनाएंगे, ये आपका एक नोट पॉइंट हो गया। एक बात और याद रखना है कि फॉक्स बॉक्स लिखा रहेगा उसी के जगह अगर ऑक्स लिखा रहेगा तो इसे सिर्फ याद रखना बाबू कि क्या बनाएंगे ऑक्सेन, यानी एक रूल दो अपवाद, मैंने कोई ऐसा तो धनतेरस वाला ऑफर तो कभी आया नहीं, या देखिए धनतेरस में हमें वस्तु खरीदे दो को कहां मिलता, पर शिक्षा कैसा है कि एक ज्ञान सीखिए दो को ऑफर भी ले जाइए, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि क्या है ऑक्स है तो ऑक्सेन है, इसके वाला में भी बता दिए हैं। अब ये क्या है उम्मीद करते हैं क्या बुक्स बन जाएगा, बस बॉक्स क्लास बस हो जाएंगे। चलिए भूसेज है, भूसेज मैंने झाड़ी होता, अंत में कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके अंत में बाई हो, अब बाई के पहले कोई भवेल हो, जैसे देखिए बॉय ये है ना भवेल, तो भवेल आप पूछेगा नहीं कि कई होता है, आप लोग जानते होंगे कि पांच होता है, तो ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं भवेल कहते हैं ना, यही रहना चाहिए। तो देखिए तो ओ
हाय इस प्रकार से, ठीक ना। तो ऐसे परिस्थिति में जैसे वो की लिख देते हैं, ये भी हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर तो क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाकर बनाएंगे। याद रखेंगे कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके अंत में बाई हो, अब बाई के पहले लंबे लिखा वाला नियम नहीं लिख रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, ध्यान पूर्वक देना है, ठीक ना। अंत में बाई हो, बाई के पहले कोई क्या हो, भवन हो, तो उसे सिर्फ एस लगाकर पलरल बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, ब्वाज हो गया। अब यहां उसी प्रकार से ट्वाज, बाकी तो आप समझदार है, ये एज ए बेच, एज ए रेच, एज ए बेच की हो जाएंगे। पर याद रखना एक और है, रूल नंबर चौथे में आते हैं कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके अंत में बाई हो, अब बाई के पहले कंसोनेंट हो। तो आप लोग लेटर तो जाने, लेटर पढ़ाए आप लोग को बेसिक नॉलेज में, तो क्या है ना कि लेटर ये एक पढ़ाए थे 26 लेटर में, तो वो पांच होते हैं भोवेल, बाकी बचे हुए कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वही पांच भोवेल को निकाल दीजिए 26 लेटर में, बचे से इसको क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो कौन सी बी सी डी एफ जी सब है जो क्या है कॉन्सोनेंट है। तो देखिए बेबी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बेबी, तो अंत में बाई है और पहले बी आ गया, ठीक ना। तो बी क्या है भोवेल की कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका क्या है कॉन्सोनेंट है। तो यहां क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो बनाने के लिए हमने कॉन्सोनेंट को बनाने के लिए आपको तो लिखा नहीं, तो कैसे बनाएंगे। तो याद रखना बाबू बाई को हटा देंगे, बाई को रिमूव कर देंगे, हो गया। बाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, मैंने नानी घर भेजा देंगे, ठीक है। और वहां से नानी घर से लेकिन बगल में डाल मास्टर के, यह देखो आई ई एस में चेंज कर दिए, पता चलो। देखियो आप यहां पर बी ए बी, क्लियर। अब बाई को क्या करना है, रिमूव करना है और जोड़ना है आई ई एस, दिक्कत कोई समस्या है। देखिए सी टी सी आई टी, फिर बाई को क्या करना है, रिमूव करना है आई एस, आप स्टोरी एस टी ओ आर और आई एस दो आपके लिए बॉडी और लेडी छोड़ देते हैं, बनेगा बॉडीज लेडीज। पांचवें रूल में आ जाते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके अंत में एफ हो अथवा एफ ई हो, एफ हो या एफ ई हो, तो पलरल बनाने के लिए एफ अथवा एफ ई को हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं और वहां पर लगाते हैं वी ई एस। ये देखिए हमने नियम बोल रहे थे, तो यहां पर लिखा कार, तो क्या बनाएंगे, तो सी ए एल और वी ई एस, क्लियर। उसी प्रकार से ई एल एफ, तो यहां वी ई एस हो गया। उसी प्रकार से एल आई एफ भी को ना हटा रहे हैं, तो भी ई एस डब्ल्यू ओ एल भी ई एस छोड़ देते हैं। पर याद रखना बाबू इसका नोटेबल पॉइंट है, फिर उसी जैसा कि ये वो पढ़िए फिर से धनतेरस ऑफर आपके लिए कि ये वो याद यहाँ तई लाइस पर नहीं, कुछ ऐसे नियम है जिसको याद रखना पड़ेगा बाबू कि इसमें भी एस करके नहीं बनाते हैं, बहुत सारे एटीसी भी है इसीलिए बहुत सारे को हम नहीं लिखा है। तो ध्यान पूर्वक आपको याद रखना होगा, जैसे इसमें सिर्फ एस लगाएंगे हुआ, इसमें सिर्फ एस लगाएंगे हुआ, सिर्फ इसमें एस लगाएंगे हुआ, सिर्फ इसमें एस लगाएंगे हुआ, सिर्फ इसमें एस लगाएंगे, तब पूरा के बदले एस नहीं लगा देना, चीप को चिप्स लिखेंगे, याद रखेंगे बिलिप्स लिखेंगे, गर्ल्स हैंडकर चिप, बहुत सारे ऐसे रूप रूप छोड़ दिए हैं, रूप भी होगा। तो ऐसे परिस्थिति में एस, पर याद रखना ही तो एस है, और ये जो नोटेबल नोट एक नोट नंबर ही है और नोट नंबर टू है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये दोनों नियम फॉलो करेगा, ठीक ना। मैंने ये दोगला पंडित जी, देखिए कैसे परिस्थिति में एच डबल ओ भी एस, मैंने दो लक्षण बना के जाने मीन लो, उधर पत्तल लड़ देते हैं,
खाने में आगे एक्सपर्ट है कौन? हू, अस्कार, वार और अस्टाफ। कैसे बनाएंगे? पहले तो ऊपर वाले नियम से बना दिया, फिर इसमें आ जाइए। मैंने शंकर का रूप ले लिया, दो दो गुण धारण के लिए, शंकर का विराट रूप, जो ट्वेल्थ में हिंदी में पढ़ने का है अर्धनारीश्वर, वही अध्ययन अभी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से एस सी ए आर वी ई एस और एस सी ए आर एफ एस, बाकी आपके लिए दो क्लियर आंगन। रूल नंबर छह में देखना है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ हो और ओ को पहले कोई कंसोनेंट हो। याद रखेंगे ओ हो और ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो तो सिर्फ एक ही नियम फॉलो नहीं करती है, एक नियम दो आपका, हमने बोला कि आपके धनतेरस आपके लिए आल है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है? पोटैटो, तो पी ओ टी ए टी ओ, अच्छा यहाँ पर पोटैटोज, तो अंत में ये से जोड़ देना है बाबू। याद रखते हैं कि अंत में क्या जोड़ देना है आपको? पोटैटो जोड़ देना है, ठीक ना। देखिए क्या है, फिर यहाँ पर उसी प्रकार से बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस, क्या बाकी सेम है? आप लोग ऐसे करके क्या कर लेंगे, बना लेंगे बाकी आपके लिए। तो याद रखेंगे उसी में बाब कि अंतिम में वो है और पहले कंसोनेंट है, तो ये नियम ये फॉलो नहीं करेगा बल्कि सिर्फ एस लाएगा। याद रखना, इसे याद रखने योग बातें हैं। तब फोटो में क्या बना देंगे बाबू कि सिर्फ पी एच ओ टी ओ एस पुलरल हो गया। ये नियम से हमें सब याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। और के आई एल ओ एस, समझदार है आप, बाकी बना लेंगे। फिर यहां पर याद रखना वही नियम, शंकर वाला अर्धनारीश्वर वाला रूप है कि यहां दूल्हे का रूप में दो रूल, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। जैसे हम लोग क्या करते हैं सी ए आर सी ए आर जी, ये देखिए क्या बनाना है ओ ई एस, आई एल बनाना था सी ए आर जी ओ एस, ऐसे बनेगा ठीक ना। इसी प्रकार लाशों को भी, इसी प्रकार के पोर्टिको को भी। अब अंतिम में देखना है, अब कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके अंत में यू एम, याद रखते हैं क्या रहेगा यू एम, तो यू एम को हटाकर ए में बदल देते हैं, एक नियम ये हो गया, और यू एम को रहने देते हैं और एस लगा देते हैं, एक अलग हो गया। अब फिर दोनों का ये जो लिखा था गोत, ये दोनों का रूप लेता, तो देखिए कैसे, तो ये है जो अंत में ए लेकर आएगा, तो एगेंडा ए जी ई एन डी ए, क्लियर, यू एम हट गया और सिर्फ आ गया कौन चीज, ये देखिए ए। फिर उसी प्रकार डी ए टी ए, डाटा, डिक्टा है तभी डिक्टा हो जाए, डी आई सी डिक्टम है तो डिक्टा, मैक्सिमम है तो एम ए एक्स आई एम ए होगा, याद रखेंगे, एक छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या है कि यू एम रहेगा और उसमें एस ऊपर से जोड़ेंगे तो ए एल बी यू एम एस लगेगा हुआ, ठीक ना। अब एफ ओ आर यू एम एस लगेगा हुआ। अब है आपका ध्यान, देखेंगे यहां हमारे पाठक, अब ये दोनों फॉलो करेगा, देखिए कुरिकुलम लिखा हुआ था सी यू डबल आर आई सी यू एल यू कुरी, तो यहां पर अब हो गया कौच ए का फॉलो करेगा ना कुरिकुला, और यहाँ हुआ सी यू डबल आर आई सी यू एल यू एम एस, दोनों फॉलो करेगा। इस प्रकार से आपका अभी पूरा नियम आप लोग को अभी नहीं बता रहे हैं, अभी तुरंत पूरा करेंगे। चलिए आठवें रूल देखिए, आठवें में क्या है ना कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं
जिनके अंत में आई एस रहेगा। याद रखेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में आई एस हो, तो उसे प्लुरल बनाने के लिए ना आई को ना ई में बदल देते हैं और एस को एस रहने देते हैं। जैसे आपका लिखा है एक्सिस, तो ए एक्स आई के जगह क्या करना है ई में बदल देना, ई एक्स हो जाएगा। बेसिस, तो उसी प्रकार के बी ए एस और आई को बदल देंगे ई में। चलिए क्लियर, उसी प्रकार से आपके लिए याद रखेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में आस हो। याद रखेंगे जिनके अंत में क्या हो, आस हो, तो हम आस को हटा देंगे बाबू और बदल देंगे आई में, ठीक ना। बनाने का नियम है कि आस को हटा देंगे आई में बदल देंगे, जैसे ए एल ए एल यू एम एन हो गया, तब आस को क्या करना है हटाना है और आई में बदलना है। क्लियर, उसी प्रकार से इसको भी बदल सकते हैं बी ए सी आई डबल एल आई बैके हो गया। आपके लिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ये नाउन का काम करेंगे जो, जैसे आपका स्पून फूल लिखा होता है, चम्मच भर, माउथफुल मुंह भर, ग्लास भर, हैंडफुल मने मुट्ठी भर, इस प्रकार से, ठीक ना। तो सिर्फ इसे क्या कर देंगे, इनके ब्यूटीफुल फेथफुल यूजफुल ये सब नहीं बनाने मतलब ना, ये आपका नाउन नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर यह स्पून फूल करेंगे बाबू एस पी डबल ओ एन एफ यू एल और लगा देंगे क्या चीज एस, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका देखिए मध्य में परिवर्तन करते हैं, इसका कोई नियम नहीं हुआ, इसे याद रखना होगा। सही डोरमाउस लिखा है तो डोरमाइस होता है, याद रखेंगे डोरमाइस होता है। फुट के याद रखेंगे कौची बदल देंगे फीट में, उसी प्रकार से टूट को टीठ में, याद हो जाएगा। लाउस को लाइस में बदल देंगे, माउस को माइस कर देंगे बाबू, मैन को मेन कर देंगे, वोमैन को वोमेन कर देंगे। अब इसमें क्या है ना, इसको याद रखना पड़े, कुछ ऐसे नाउन है जिनको बनाने का कोई नियम नहीं, साधारणता ईएन लगाते हैं, तो चिल्ड्रन में आर ईएन लगा देंगे, ठीक ना। तो सी एच आई एल डी आर ई एन और ओ एक्स ई एन। अब ब्रदर का दो नियम है बाबू, एक बनेगा बी आर ओ टी एच आर, ब्रदरेन बनेगा एगो हुआ, ठीक ना, एगो बी आर ओ टी एच ई आर एस बनेगा। तो ई मतलब होता है सहोदर भाई बउआ, आई हो गया मठ वाला भाई, मठ का भाई, मठ मैंने समझाओ कहीं समूह संगठन में बैठे हुए रहते हैं ना, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे ब्रदरेन। कभी कभी हम लोग को नहीं स्पीच में बोलने वक्त गलती बोल देते हैं स्पीच लोग कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल देते हैं वहां पर, बल्कि हम लोग को क्या कहना ब्रदरेन ना, इस प्रकार से बाबू। अब आया है देखे इसको याद, मिस्टर लिखा है तो उसका क्या बनाएंगे, मिसर्स होता है, मिसे लिखा हुआ है इसका मैडम मैसडम्स बनेंगे, और मैडम का भी यही बनेगा मैसडम्स। कभी पूछता नहीं, अगर आपको कोई सिंगलर प्लुरल में पूछ देता है तब एग्जाम उग्जाम में नहीं पूछ पाए, आप सिंगलर प्लुरल कोई बच्चे हैं कोई आपके भाई हैं चाचा चाची पूछ सकते हैं कि हाँ बुआ मैडम का प्लुरल क्या होगा, तो यहाँ याद करो मैडम्स, याद रखेंगे। अगर यह है आपका एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, कुछ ऐसे है जो एस सिंगुलर का बनाता है, एब्रिविएशन का एक अलग और बना रहे हैं, देखिए एस है बी है एम है, तो इसको बनाएंगे यह देखिए एपोस्ट्रोफी है छोटा एस एम एपोस्ट्रोफी एस, ऐसे करके इसको बना सकते हैं, एब्रिविएशन पर भी बनाएंगे, ठीक ना। चलिए एब्रिविएशन का भी बनाकर छोटा और भी बना रहे हैं, देखिए एब्रिविएशन पर हमने बताया था कि एब्रिविएशन से हम अभी आपको बताएंगे, जिसे बी ए लिखा रहेगा तब बी इसे एपोस्ट्रोफी एस, एम एपोस्ट्रोफी एस, इसको एब्रिविएशन कैसे याद रखेंगे,
एमपी इसमें देखिए डॉट है तो इस प्रकार इसमें नहीं है तो एमपी जितना का और छोटा एस दे देंगे ठीक ना। इसे इस प्रकार से वी आई पी तो इसे एस बाकी दो को बना लेंगे। अब कंपाउंड नाउन को बता रहे हैं ठीक ना। तो कैसे ये देखिए इसमें कंपाउंड नाउन है तो जैसे आपका संरचना के आधार पर नाउन दो प्रकार का होता है उसे याद करेंगे एस सी सिंपल नाउन और कंपाउंड नाउन। एक होता है कंपाउंड नाउन दो प्रकार के कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और कंपाउंड नाउन विथ आउट हाइफन। याद रखेंगे संरचना के आधार पर नाउन कई प्रकार के दो प्रकार के सिंपल नाउन और कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी दो प्रकार के कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और कंपाउंड नाउन विथ आउट हाइफन। जैसे आपका विथ हाइफन का ही लिखा हुआ है ये देखिए विथ आउट हाइफन इसमें हाइफन नहीं हो विद आउट है और जिसमें विथ है यानी कंपाउंड नाउन दो प्रकार के कंपाउंड नाउन विथ हाइफन ये देखिए कंपाउंड नाउन विद आउट हाइफन। तो उस पर आधारित हम कंपाउंड नाउन पर सिंगल प्लुरल बताने जा रहे हैं। जैसे यहां पर इस सन का सब को चेंज नहीं करना बल्कि सन्स इन ला ठीक उसी प्रकार से फादर्स इन ला। अब याद रखना स्टेप तो यहां पर बदलेंगे स्टेप कौची मदर्स हो जाएगा। इस प्रकार से स्टेप फादर्स स्टेप ब्रदर्स स्टेप सिस्टर्स और भी मने एटसेट्रा और भी कुछ रहेंगे तो इसको भी। अब माइंड पर हम बनाने जा रहे हैं कि माइंड को कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए फ्रेंच को माइंड पर आधारित बना रहे हैं तब फ्रेंच आई एम ई एन ऐसे कर देंगे ठीक ना। इसको माइंड को एम ई एन में बदल दिया फ्रेंच माइंड इंग्लिश माइंड कौनो माइंड है किसी देश का आदमी कह रहा है तो उस पर सकते हो। अब आ गया ई माइंड है तो इसको रहेगा मुसलमान ब्राह्मण तो इस प्रकार एम यू एस ए एल एम एन एस ऐसे बनाएंगे बाबू ठीक ना। आपका ब्राह्मण में फिर एस लगाएंगे इसमें क्या बनाएंगे तो इसको बदल देंगे फुट कौची में फुट क्या फुट याद रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग बदलेंगे कि कैसे इसको बदल पाते हैं हम लोग फिर आपका है माइन लवर्स एटर्स भी रहेंगे आ इसमें देखिए बाबू ये है फुट कौची कर देंगे मैं ना कि फुट्स माइन कर देंगे क्या कर देंगे आप लोग को यहां देखना होगा इसी प्रकार से इसको बेगर में इसी प्रकार बासर में अभी है माइन सेवन टाइप फोर में माइन का तो देखना है यहां पर क्या होगा तब माइंड सर्व माइंड सर्वेंट्स यहां पर हो जाएंगे यह एम एम एन और आपका एस ई आर एस ई आर वी ए एन टी एस इस प्रकार से बाबू ठीक ना याद रखेंगे माइंड सर्वेंट। देखिए यहां पर क्या होगा इसको मैं दोनों चेंज कर देना ठीक ना। यह देखिए मेन इसमें वोमेन सर्वेंट ठीक है इसमें क्या करना है पांचवें माइंड वाला में तो यहां पर माइंड आपका हेटर्स ठीक ना इसको नहीं चेंज करना इसको चेंज करना लवर्स हेटर्स। याद रखना कुछ ऐसे नाम होते हैं बाबू जो हमेशा प्लुरल देखने में लग रहा है कि आपका क्या है आपका लग रहा है कि सिंगुलर है पर इसे एनी के सिर से बदल देंगे सिर्फ मैंने भेड़ भेड़ों के समूह या कभी हमेशा ही प्लुरल में ही प्रयुक्त होते हैं ठीक ना। देखने में लग रहा है सिंगुलर और ये एल्स टांग्स ये देखने में प्लुरल लग रहा है और ये हमेशा और इसको हमने प्लुरल के रूप में नहीं बदल सकते ये ऑलवेज प्लुरल रहता है। कुछ ऐसे बहुत सारे नियम है जिसमें आपको बताएंगे कि इस प्रकार से कुछ और नोट आप लोग को दिखा देते हैं कि और सिंगुलर से प्लुरल में क्या नियम होता है देख लो बाबू इसमें भी कुछ ऐसे हैं जैसे आपका लिखा हो पोएट्री मानिए हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है इसे प्लुरल बनाया नहीं जाता है। और एक नोट और भी आपको समझ लेना होगा जैसे आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन याद रहेगा
और आपका प्रॉपर नाउन। ये सम का आपका प्लुरल नहीं बनाया जाता है, याद रखेंगे। कौन कौन नाम? प्रॉपर, मैटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं बनाए जाते, प्रायः नहीं बनाए जाते, याद रखेंगे। और अगर इसका आप लोग को सीख लिए होंगे तो हमारे एक आपके पास फिर से वही एक शब्द बोलने जा रहे हैं, आप अपना टास्क बना लेंगे। टास्क हम कहाँ है, आपका एक ऐप्स है टेलीग्राम ऐप्स, जहां पर रिसर्च करना है आर ए जे बाई ए राज इंग्लिश क्लासेज, वहां पर सिंगुलर टू प्लुरल आपको मिल जाएंगे, उसका सिंगुलर प्लुरल पीडीएफ है, उसे बनाने का कोशिश करेंगे। हर नोट्स जैसे बनाए हैं बताए हैं उसका नोट्स का एक एक प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। राज इंग्लिश क्लासेज सर्च करना है आपका टेलीग्राम ऐप पर जाकर, उसके बाद आपको ये सब मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में प्रॉब्लम, ठीक है। फिलहाल हमारी गुरुदक्षिणा के रूप में आप देना नहीं भूलेंगे, लाइक करें और शेयर भी करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी हमारी नए वीडियो आप तक आने में सक्षम हो सके। फिलहाल इतना ही।